नमस्कार दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि अपडेट पाएं सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ निशा नामदेव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उज्जैन में प्रति मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में बुजुर्ग दिव्यांग मूक बधिर बीमारियों से परेशान जन सुनवाई में आने के दौरान राज्य सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रति मंगलवार को जन सुनवाई के निर्देश इसलिए दिए ताकि आम नागरिकों की समस्या परेशानी का समाधान हो सके और राज्य सरकार की सुविधाओं का लाभ आम नागरिकों को मिल सके। पर उज्जैन संभाग में प्रति मंगलवार को होने वाली जन सुनवाई में अधिकारियों की लापरवाही जमकर देखने को मिल रही है। जन सुनवाई पहले कोठी कार्यालय परिसर क्षेत्र में नीचे होती थी, अब वो नवीन भवन में तीसरी मंजिल पर हो रही है, जहां आने जाने के दौरान जनसुनवाई में मूक बधिर दिव्यांग बुजुर्ग अपंग बुजुर्ग आम नागरिक बेहद परेशान है। कहां पर अभी यहां पर जनसुनवाई में किस लिए आए? कोई भी नहीं है। अच्छा, जनसुनवाई में यहां पर अभी किस लिए आए हुए हैं? सही कराने के लिए। अच्छा, शिकायत करने के लिए? शिकायत नहीं, मिलने के लिए। अच्छा, मदद मांगने भी आए हुए हैं? तीन मंजिल ऊपर आना पड़ा नीचे से? अगर नीचे जनसुनवाई होती तो क्या होता? नीचे होती तो सुविधा रहती। कहाँ रहते हैं ये? नलखेड़ा के निवासी है, अभी लाहौरी अवस्था में 8 साल से उज्जैन में रह रहे हैं। अच्छा, अभी यहाँ वहाँ पर रह रहे हैं। जनसुनवाई वैसे नीचे होती थी, तो अगर नीचे होती तो क्या फायदा होता? फायदा ये होता कि निकला व्यक्ति बुजुर्ग व्यक्ति को ऊपर आने में जो दुविधा हो रही, परेशानी हो रही, वही होती। अभी तीन मंजिल काफी ऊपर आना पड़ रहा है, वृद्धों को काफी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल आ रही, जो बड़े लिखे उनको चलाना नहीं, अभी बुजुर्ग लोग कैसे आएंगे?